हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के बीच ताल ठोकने जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धरना दे रहे किसानों के पास जाने के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला 20 जुलाई को इसकी शुरुआत पलवल और गाजीपुर बॉर्डर से करने वाले हैं। पलवल बॉर्डर पर फरीदाबाद, पलवल और मेवात के इनेलो कार्यकर्ताओं को सुबह 10 बजे पहुँचने के लिए कहा गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं को 11 बजे पहुंचना होगा। दोनों जगह कार्यकर्ता चौटाला के साथ किसानों के बीच जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर अभय सिंह चौटाला ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिए गए वनवास को पूरा करके कल यानी 20 जुलाई को पलवल और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के बीच जाकर संघर्ष का आगाज करेंगे। आगे उन्होंने लिखा है, फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के बीच ताल ठोकने जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धरना दे रहे किसानों के पास जाने के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला 20 जुलाई को इसकी शुरुआत पलवल और गाजीपुर बॉर्डर से करने वाले हैं। पलवल बॉर्डर पर फरीदाबाद, पलवल और मेवात के इनेलो कार्यकर्ताओं को सुबह 10 बजे पहुँचने के लिए कहा गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं को 11 बजे पहुंचना होगा। दोनों जगह कार्यकर्ता चौटाला के साथ किसानों के बीच जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर अभय सिंह चौटाला ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिए गए वनवास को पूरा करके कल यानी 20 जुलाई को पलवल और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के बीच जाकर संघर्ष का आगाज करेंगे। आगे उन्होंने लिखा है, फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के बीच ताल ठोकने जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धरना दे रहे किसानों के पास जाने के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला 20 जुलाई को इसकी शुरुआत पलवल और गाजीपुर बॉर्डर से करने वाले हैं। पलवल बॉर्डर पर फरीदाबाद, पलवल और मेवात के इनेलो कार्यकर्ताओं को सुबह 10 बजे पहुँचने के लिए कहा गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं को 11 बजे पहुंचना होगा। दोनों जगह कार्यकर्ता चौटाला के साथ किसानों के बीच जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर अभय सिंह चौटाला ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिए गए वनवास को पूरा करके कल यानी 20 जुलाई को पलवल और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के बीच जाकर संघर्ष का आगाज करेंगे। आगे उन्होंने लिखा है, फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे।